हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 1 kg का टॉल केक का वीडियो, जो कि मैंने बेबी के एक फर्स्ट बर्थडे के लिए बनाया था। इस केक का फ्लेवर है वो है वनीला, और डिज़ाइन जो है वो आप आगे देख ही पाएंगे। ये 3 shades में इसका मैंने डिज़ाइन किया है। तो इस केक को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 150 grams 2 टिन में, 6 inch के टिन में बेक किया था, और उनको दो दो लेयर में कट किया था। दैट मीन्स टोटल 4 layers जो है वो इस केक में मैंने डाली है। तो फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 10 inch का बोर्ड, उसके ऊपर थोड़ी क्रीम लगाई और पहली लेयर को प्लेस किया। फिर उसको शुगर सिरप से किया सोक और विप क्रीम लगाई, और वनीला फ्लेवर है तो उसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क जो है वो थोड़ा इसके ऊपर डाला, और साथ ही डाले थोड़े से चॉको चिप्स। और उसके बाद फिर मैंने सेकेंड लेयर को प्लेस किया, और सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स मैंने सेकेंड थर्ड दोनों लेयर को किया है कम्प्लीट। और बाद में यहाँ पर मैंने फाइनल लेयर को प्लेस किया और उसको यहाँ पर शुगर सिरप से सोक किया। सोक करने के बाद में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क जो है वो मैंने इस लेयर के ऊपर भी डाला है। तो करने के बाद में अब इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सीध क्रीम मैंने देखिए केक के साइड्स में और ऊपर लगाया, और उसको पैलेट नाइफ और स्क्रबर की हेल्प से यहाँ पर क्रम कोटिंग जो है वो इस केक की कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसकी क्रम कोटिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, और अब इसको बाहर निकाल के इसकी फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। तो ये जो केक जो फ्रेंड्स मुझे रेफरेंस पिक्चर कस्टमर ने दी थी, उसमें 3 shades थे, नीचे पिंक, मिडिल में येलो एंड ऊपर ब्लू। तो उसी तरीके से देखिए मैंने पाइपिंग ब्रेक की हेल्प से ही दो दो लाइन जो है विप क्रीम की, पहले पिंक की है, फिर मैंने यहाँ पर ये येलो की दो लाइन की है, और इसको करने के बाद में मैंने ब्लू कलर जो है वो भी पाइपिंग बैग में फिल करके दो लाइन जो है वो मैं इसकी करूँगी। और टॉप पार्ट जो है वो भी ब्लू कलर ही था पिक्चर में, तो वो भी मैं ब्लू कलर ही करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर केक का टॉप पार्ट जो है उसको मैंने ब्लू क्रीम से कवर कर लिया है, और अब पैलेट नाइफ से बस इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्मज कर दूंगी क्रीम को अच्छे से। और करने के बाद में जो सिलिकॉन का स्क्रैपर होता है उसकी हेल्प से मैं साइड जो है वो स्मूथ करूँगी, और जहाँ पे भी थोड़ी बहुत क्रीम कम रह जाएगी वहाँ पर मैं थोड़ी सी क्रीम फिर से लगाऊंगी, और जो भी साइड्स में गैप हैं उनको फिल कर देंगे। और इसके करने के बाद में ऊपर जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको देखिए इस तरीके से निकाल लिया, और निकालने के बाद में फिर से साइड्स में और टॉप पार्ट में फिर से फिनिशिंग जो है वो करूँगी। तो यहाँ पर केक की फिनिशिंग जो है फ्रेंड्स देखिए वो हो चुकी है। तो अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ फॉन्डेंट्स के टॉपर्स बनाए थे, तो उनको मैं इसके ऊपर प्लेस करूँगी। और प्लेस करने से पहले फ्रेंड्स इसके नीचे मैंने मेल्टेड वाइट चॉकलेट जो है या कंपाउंड वो मैंने लगाया है। तो यहाँ पे पहला क्लाउड जो है उसको प्लेस किया, इसी तरीके से सेकेंड क्लाउड के नीचे भी थोड़ा सा मेल्टेड कंपाउंड लगा के इसको भी इसके ऊपर प्लेस कर दिया। और करने के बाद में कुछ और फॉन्डेंट्स के टॉपर्स जो बनाए थे उनको भी केक के ऊपर प्लेस किया नीचे कंपाउंड लगाकर। सारे टॉपर्स प्लेस करने के बाद में फिर थोड़ा सा वाइट वाला जो पर्ल होती है एडिबल, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया टॉप पार्ट पे एंड साइड में। और लास्ट में मैंने ये एक यूनिकॉर्न का फर्स्ट बर्थडे का टॉपर जो है वो मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया, जैसा कि रेफरेंस पिक्चर में था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा 1 kg का वनीला फ्लेवर का यूनिकॉर्न थीम केक जो है वो रेडी हो चुका है। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने सेम बेबी के लिए फर्स्ट बर्थडे का ही एक और बॉस बेबी थीम का केक जो है वो रेडी किया था, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी बेकिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।